नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आपने हमारा जो Redmi Note 7 Pro हमने वीडियो अपलोड किया था ऑलमोस्ट 2019 में लिया है फोन, और अभी 2021 चल रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने फोन, और आप में से कितने लोग ने बताया कि अब ये फोन कैसा चल रहा है, इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है, फोटोग्राफी मींस कैसा यूज करता हूँ। कितने मोबाइल फोटोग्राफर भी हैं जो आजकल कैमरा मैन को भी पीछे करके रखे हैं, जिनके पास कैमरा है उनसे भी बेटर मोबाइल से खींचते हो भी नोट 7 प्रो से। तो ये मैंने ग्लास में लिया था, ब्लू कलर में, नैपकिन ब्लू कलर में। ये देख सकते हैं आप, इसकी शेडो आ रही है। तो यहाँ पे भी ग्लास है, यहाँ पे भी ग्लास है। अब इसमें मेरे को दिक्कत क्या आ रही थी, ठीक है, मैं ये बता देता हूँ सबसे पहले आपको। तो ये Redmi Note 7 Pro 6GB 128GB वेरिएंट का है मेरे पास। तो इसमें मेरी सबसे पहले दिक्कत आई थी ऑलमोस्ट 2 साल यूज करने के बाद, और इसका मैं ओवर यूज होता था। अल मीन्स 5% बैटरी बची है तब भी यूज हो रहा है, 2% बची है तब भी, मंथ 100 हुआ, 100 से जब तक 0 नहीं होता तब तक इसका अनलिमिटेड यूज होता था। तो 2 साल बाद इसकी बैटरी हो गई खराब बीच, क्योंकि ये फोन गिर गया था, ड्रॉपआउट हो गया था गलती से, तो फोन बैटरी हो गई खराब। अब बैटरी इसकी चेंज करवाई है, तब से बहुत परफेक्ट चल रहा है। एंड इसका जो न्यू अपडेट आया है, न्यू अपडेट आने के बाद इसकी जो कैमरा क्वालिटी है, ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा सैंपल वीडियो निकाल के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ मैंने डेस्क में कवर रखा है, और स्टेबलाइज स्लो मोशन बहुत तगड़ा आया है इसका अपडेट होने के बाद। और यहाँ पे मैं आपको वीडियो शो कर देता हूँ, और स्टेबलाइज स्लो मोशन ये काफी तगड़ा हो गया है, एंड अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इनफैक्ट जहां मेरे को ये कैमरा ले जाना नहीं होता, मेरा व्लॉगिंग भी चैनल है अलग से, तो जहां मेरे को ये कैमरा मीन्स बल्कि से लगता है, हैवी लगता है ले जाने को, तो वहीं मैं अपने फोन से भी बनाता हूं। और इसमें 4K सपोर्टेड है, और मेरे कैमरे में भी 4K 30fps सपोर्टेड है, लेकिन दोनों का सेंसर अलग रहता है, थोड़ा उसका जूम रहता है कैमरे का, इसका छोटा रहता है। लेकिन इसे आप धूप में यूज करो, बहुत तगड़ा चलता है। एंड इसकी क्वालिटी कंपैरिजन में एक वीडियो बनाने वाला हूँ कैमरा एंड Redmi Note 7 Pro की, तो आप उसमें पूरी डिटेल वीडियो देख लेना, कैमरे से ही रिलेटेड रहेगी। बाकी इसका फ्लैश, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक सब बढ़िया चल रहा है, एंड इसकी सिक्योरिटी लेवल भी एक नंबर हो चुकी है। अगर मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ तो ये मेरे को लास्ट 3 टाइम ऑप्शन देता है, अपना पासवर्ड याद कर लो, अन्यथा इसके बाद आपका डाटा पूरा जाने वाला है, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी फुल टू आईफोन की तरह हो गई है। और यहाँ पे मैंने स्क्रीन गार्ड लगाया था, तो थोड़ा सा ये निकल रहा है, बाकी ऑल आउट सब ठीक है। और यहाँ हमने कवर पे डिजाइन किया। तो ये थी Redmi Note 7 Pro की कहानी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।